बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। चारधाम यात्रा 2024 का आज आगाज हो चुका है। अक्षय तृतीया के पावन मौके पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। सुबह 7:15 पर खुले कपाट, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा केदार धाम के कपाट खुल चुके हैं सभी श्रद्धालुओं के लिए। बम बम भोले के जयकारों से केदारपुरी पूरी गूंजती हुई नजर आई। केदारनाथ धाम में भोलेनाथ के भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी मौजूद रहे इस दौरान। केदारनाथ रावल भीमा शंकर लिंग भी मौजूद। 24 क्विंटल फूलों से सजाया गया है बाबा का धाम। हेलीकॉप्टर से भी बरसाए गए फूल। तो बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं। आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 7:15 पर खोल दिए गए हैं सभी श्रद्धालुओं के लिए। और बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। और सुबह 7:15 पर बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए, तो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ केदार धाम के कपाट खोले गए हैं। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम में भोलेनाथ के भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी इस दौरान मौजूद रहे। केदारनाथ रावल भीमा शंकर लिंग भी मौजूद और 24 क्विंटल फूलों से सजाया गया है बाबा का धाम। और बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु बेहद उत्साहित। श्रद्धालुओं का एक बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है इस वक्त केदार धाम में। और 7:15 पर बाबा के कपाट खोले गए। बम बम भोले के जयकारों से गूंजी केदारपुरी और श्रद्धालुओं का भारी हुजूम आज केदारनाथ मंदिर पहुंचा। केदारनाथ रावल भीमा शंकर लिंग भी इस दौरान मौजूद रहे। 24 क्विंटल फूलों से सजाया गया था बाबा का धाम और श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह की स्थिति देखने को मिल रही है। तो चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और आज 7:15 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। फूलों से बारिश की गई हेलीकॉप्टर के जरिए और 24 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। मंदिर की रौनक, मंदिर के आसपास का उत्साह देखते ही बन रहा है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी महावीर राणा जुड़ चुके हैं। तो महावीर, केदारनाथ धाम के कपाट आज 7:15 पर खोल दिए गए हैं, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का रौनक उत्साह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? छह महीने का जो इंतजार था आज पूरा हो चुका है। और मैं बता दूं, इस समय जो केदारनाथ की कपाट जो है सुबह 7:15 श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और हजारों की संख्या में वहां पर यात्री पहुंचे। उसी तरह मैं बता दूं, उत्तरकाशी में भी दो धाम पड़ते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री। यमुनोत्री के कपाट आज 10 के आसपास खोल दिए जाएंगे। उस समय जो है गंगोत्री में हो, गंगोत्री मेरे पिछा देख रहे हैं, समय माँ गंगा की उत्सव डोरी यहाँ पे पहुंची है और उस समय जो है मंदिर प्रांगण में पहुंच चुकी है। और अब जो है 12:25 पे जो है माँ गंगा के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके बाद जो है जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं वो माँ गंगा के दर्शन कर पाएंगे। और अभी मैं बता दूं, जो गंगा की उत्सव डोरी सामने दिख रही है, तो इस वक्त जो है गंगा सत्र नाम का पाठ यहाँ पे किया जाएगा और वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा जो है इसके बाद स्थानीय विधायक है उनके कर कर्मों द्वारा यहाँ पे खोल दिया जाएगा। इस समय बता दो, आचार संहिता के कारण जो है यहाँ के जो है जो अधिकारी वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनको बात हमारी जो मंदिर समिति सिविल तो उनका कहना है कि हमने जो है इसको जो हमारे राज्यपाल है उनको बोला था आने के लिए, मगर आचार संहिता के कारण वो नहीं आ पाए। इसलिए जो स्थानीय विधायक है वही आज जो है गंगोत्री का पाठ का कार्यक्रम करेंगे। समय बता दो, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं। लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि 6 महीने के जो प्रवास था उसके बाद आ जाए। अभी जो मेरे सामने जो यहाँ पे हेलीकॉप्टर जा चुके हैं, हेलीकॉप्टर द्वारा यहाँ पे जो है फूल वर्षा की जाएगी, जिससे कि यहाँ पे जो आए हुए यात्री है उन पे काफी जोश और उत्साह बनेगा। उसी तरह मैं बता दूँ, जो पुलिस प्रशासन है उसमें पहले भी तैयारी कर चुकी है, जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। लगातार जो है 2-3 महीने से जो लगातार समय जो है गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलने थे उसकी तैयारी चल रही है और आज वो दिन आ चुका है, वो घड़ी आ चुके हैं, जिसके बाद अब लोग जो है इसके बाद जो है माँ गंगा के दर्शन करेंगे। और आने वाले समय में संभावना है कि लाखों की संख्या यहाँ में यात्री आएंगे, जिससे हमने देखा कि इस समय जो है जो रजिस्ट्रेशन है वो काफी पिछले साल के तौर पे हमें देखिए रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा है, 18 लाख से ऊपर पूरे रजिस्ट्रेशन गए हैं।
उस बार तो हमें लगता है कि गंगोत्री में जो है इस बार जो संख्या बढ़ेगी, इससे पहले जो है 7 हजार के आसपास थे, मगर इस बार जो है 12 हजार के आसपास जो है प्रशासन ने किया है, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ सकते हैं। जो यहाँ पे के व्यापार मंडल है उनका थोड़ा आक्रोश जरूर था कि जो रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है इसको बंद किया जाए, जो यात्री आना चाहता है वो आए, क्योंकि हमारे पास पूरी व्यवस्था, यहाँ पे होटल रहने की पूरी व्यवस्था है, तो थोड़ा सा प्रशासन से थोड़ा नाराज जरूर है जो स्थानीय व्यापारी है, मगर फिर भी उत्साह पूरा है, क्योंकि जो 6 महीने का इंतजार था आज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और लोग माँ गंगा और यमुना के दर्शन यहाँ पे कर पाएंगे। जी बिल्कुल महावीर, तो जैसा कि गंगोत्री के तो आपने दर्शन कराए ही, बहुत ही भव्य तरीके से इस मंदिर को भी खास तरीके से सजाया गया है, और केदारनाथ मंदिर की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें हम लगातार देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु वहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, हर हर महादेव के वहां पर नारे गुंजायमान हैं, ऐसे में किसी तरह की अव्यवस्था की तो कोई तस्वीर देखने को नहीं मिली महावीर? बिल्कुल नहीं, मैं बता दूं जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने अपनी पूरी तैयारी पहले से कर चुके हैं, और यहाँ पे जो है उन्होंने जो है पिछली जो यात्रा हुई थी उसको देखते हुए इन्होंने इस बार जो है पुलिस को थोड़ा, पुलिस की जो सिपाही है उनको थोड़ा ज्यादा बढ़ाया है। इस समय बता दूं जो जहाँ पे सबसे ज्यादा डेंजर मार्ग है या कोई सांकरा मार्ग है तो वहाँ पे पुलिस की टीम लगी हुई है, अगर किसी तरह की अव्यवस्था होती है तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, और मैं बता दूं इस समय जो है ड्रोन कैमरे की भी सहायता ली जा रही है, अगर किसी तरह से कहीं पे कोई ट्रैफिक की दिक्कत आती है तो ड्रोन कैमरा से देखा जाएगा कहाँ पे। कई जगह हमने ये भी देखा है, जिस तरह मैं बता दूं सुक्की टॉप का जो एरिया है, जिस एरिया में सबसे ज्यादा सांकरी मार्ग है वहां पे जो है इन लोगों ने वन वे कर रखा है कि पहले आने वाले को जो नीचे से आ रहे हैं उनको आने दिया जाएगा, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर ऊपर वाले जाएंगे, तो इसलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अभी तक कोई ऐसी अव्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जो यात्रा करने आते हैं वो धार्मिक नीति से आता है, धार्मिक व्यक्ति होता है, तो इस तरह से कोई हुड़दंगबाज तरीके नहीं आते, क्योंकि हमने देखा है जो कांवड़ से जो टाइम आता है उसमें थोड़ा हुड़दंग जरूर मची जाती है, मगर इस वक्त जो भी आस्था के नाम से आता है वो किसी तरह की हुड़दंग नहीं मचाता है, क्योंकि ईश्वर के नाम से आता है, तो इस तरह से कोई जो घटनाएं होती नहीं होती है। जी बिल्कुल महावीर, कुछ तस्वीरें ऐसी भी हमने देखी जिसमें से कुछ जो श्रद्धालु थे वो होटलों में रहने के लिए काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए और उनको होटल्स में जगह नहीं मिल रही है, इस वजह से उनमें काफी ज्यादा आक्रोश की स्थिति और उन्होंने हड़ताल करने की भी बात कही, क्या कुछ ऐसी तस्वीर भी? जो होटल एसोसिएशन है, जो मैं बता दूं जो होटल एसोसिएशन है चार धाम के जो होटल एसोसिएशन है उन्होंने पहले ही सरकार से जो है एक लेटर मुख्यमंत्री को भेजा था कि आप जो है जो इस जो यात्रा में आ रहा है व्यक्ति उससे रोकी मत ना, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी, जो पोर्टल बार बार जो नहीं खुल रहा था, तो इसके लिए हमने देखा हरिद्वार में लगातार जो यात्री परेशान था, उसी तरह जो होटल वाले हैं उनका ये कहना था आज 10 तारीख के लिए उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार अपनी बात को नहीं मानते तो हमें जो है होटल व्यवसाय बंद करना पड़ेगा, 1 दिन के लिए जो है बंद करना पड़ेगा, मगर अभी तक ऐसी बात देखने को नहीं मिला है। कई जगह जो है होता है होटलों में क्या होता है कि जो होटलों के रेट है, वैसे तो प्रशासन ने पूरी टीम ने जो पहले होटलों के रेट चयनित किए हैं उनको बोल रहे हैं कि आप अपने होटलों के जो रेट उनको सब चुकाए हैं, मगर कई जगह ऐसा होता है जो होटल व्यवसाय वो थोड़ा रेट ज्यादा लगाते हैं, जब भीड़ ज्यादा होती है तो ज्यादा लगाते हैं, इसलिए थोड़ा जो यात्री वो परेशान हो सकता है, मगर ऐसी कोई देखने की बात नहीं है। बिल्कुल महावीर, लेकिन क्या कुछ रुकने की अन्य व्यवस्थाएं वहां पर देखी गई हैं, अन्य व्यवस्थाएं वहां पर प्रशासन द्वारा की गई हैं कि किसी भी यात्री को रात में रुकने के लिए वहां पर किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल, उसके लिए पुलिस प्रशासन पहले ही तैयार है और जिलाधिकारी खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मैं बता दूं जो पैनल बनाया गया यहाँ पे सीढ़ियों को गंगोत्री धाम में बिठाया गया है कि आप वहाँ पे देखे होटलों की व्यवस्था देखे, अगर कहीं पे नेशनल हाईवे पे अगर कहीं लैंडस्लाइड होता है या किसी तरह की समस्या हो तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, उसके लिए जो धर्मशाला है या लोक इसका जो गढ़वाल मंडल निगम है उसको भी कहा गया है कि आप जो है जो भी यात्री आएगा उसे फ्री में रखेगा, क्योंकि अगर वो लैंडस्लाइड की स्थिति में कहीं फंसा है तो उसको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए भी जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, ना देखने को मिल रहा है कि किसी यात्री को किसी तरह की समस्या होगी, क्योंकि जो हमने देखा है कि जैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम है इन्होंने जो है यहाँ पे 11 एम्बुलेंस जो है गंगोत्री धाम में लगा रखी है और जो स्वास्थ्य विभाग की अपनी गाड़ियां भी वो भी लगा रखे, तो किसी भी तरह के कोई भी यात्री आता है तो उसे किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो स्वास्थ्य विभाग हो सभी लोग मुस्तैद हैं और लगातार जो है अपने काम अंजाम दे रहे हैं, और आज से शुरू हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आप कई होटल वाले ऐसे हैं जिन्होंने अभी तैयारी नहीं किया है इसलिए कई जगह प्रॉब्लम हो सकती है, मगर फिर भी जो हमने देखा है कि पूरे होटल वाले पहले तैयारी कर चुके हैं और जो भी यात्री आ रहा है वो उसे जो है एक मेहमान की तरह अपने घर में रख रहा है, उसकी पूरी सेवा कर रहा है। बिल्कुल महावीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि लगातार हम देख पा रहे हैं मंदिरों की तस्वीर कि बहुत ज्यादा भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में जो दिव्यांगजन या जो बुजुर्ग वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए किस तरह की खास व्यवस्थाएं मंदिर में दर्शन सुचारू रूप से कराने के लिए?
बिल्कुल जो वीआईपी ट्रेनमेंट था, वीआईपी ट्रेनमेंट पूरी तरह से अभी तक जो है 15 तारीख तक पूरी तरह से बंद कर रखा है। 25 तारीख तक कोई भी वीआईपी टूर्नामेंट नहीं आएगा, मगर जो विकलांग व्यक्ति है या फिर किसी तरह का बुजुर्ग है उसके लिए एक अलग व्यवस्था की गई। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है या होमगार्ड की टीम है वो लोग जो है अगर कोई बुजुर्ग है या अपंग है तो उसको जो है दर्शन करा रही है। अगर कई चीज हमने देखी जैसे यमुनोत्री धाम में कई बार वहाँ पे पैदल चलना पड़ता है तो थोड़ा दिक्कत होती है जो बुजुर्ग लोग, मगर वहाँ पे हमने देखा जो होमगार्ड और पुलिस के जवान है वो अपनी पीठ में लेके जो है यात्रियों को ले जाते हैं, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं। पुलिस प्रशासन इसके लिए पहले ही तैयार रहता है और इसके लिए पूरी टीम मौजूद है। उन्होंने साफ साफ कह रखा कि अगर किसी भी तरह कोई यात्री अगर शिकायत करता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी किसी तरह के यात्री के साथ किसी तरह की जो असामाजिक तत्व होते हैं, अगर किसी तरह की घटना होती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैद है। अगर कोई भी घटना होती है तो एसपी पूरी नजर बनाए हुए हैं। मैं बता दूं दोनों धामों के जो कैमरे ऑनलाइन कर रखे हैं और यहाँ से जो है ऑनलाइन उत्तरकाशी में जो है मुख्यालय में उसकी देखी की जा रही है कि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ के जो स्थानीय पुलिस है जो उस एरिया में ड्यूटी कर रहा है उसको तुरंत वहाँ पे जो है भेजा जाएगा ताकि किसी भी यात्री को किसी तरह की समस्या न हो। जी बिल्कुल महावीर, मेडिकल कैंप को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाओं की जानकारी देना चाहेंगे? अगर किसी श्रद्धालु की यात्रा के दौरान तबियत खराब हो जाती है तो किस तरह से वो चिकित्सीय सुविधा ले सकते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर में बता दूं जो गंगोत्री गंगोत्री धाम है उसमें जो है जो यहाँ के जो है जो हॉस्पिटल की टीम है वो पहले पहुंच चुकी है और यहाँ पे जो है अस्थायी अस्पताल भी तैयार किए गए हैं। जो गैस सिलेंडर है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो पहुंचाए गए हैं। अगर किसी तरह के जैसे हमने देखा है यमुनोत्री में जो पैदल चलना होता है वहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मेडिकल टीम बैठी हुई है, वो पहले ही चेकअप कर रही है। अगर कोई यात्री किसी तरह के 80 साल या 60 साल से ऊपर है, अगर वो श्वास का मरीज है या उसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसका चेकअप करने के बाद उसे जाने नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए साफ मना है कि अगर आप जाते हैं तो कंटे लेके चले या घोड़े कचल लेके चले, तो उसके लिए जो अस्पताल की टीम है वो पूरी तरह से मौजूद है। मैंने कहा कि 11 जो है एम्बुलेंस जो गंगोत्री धाम के लिए और 10 ही 11 जो है एम्बुलेंस यमुनोत्री धाम के लिए लगातार रेकी कर रही है और लगातार रोड पे चल रही है। अगर किसी यात्री को किसी तरह की समस्या आती है तो वह 108 के माध्यम से उसे जिला अस्पताल पहुंचाएगा, पहले उसका चेकअप करेगा। अगर किसी तरह की फास्ट एंड बॉक्स की जरूरत होती है तो उसके लिए वो पूरी तरह से प्रशासन ने पहले बता रखा है। जो भी यात्री आना चाहता है बिल्कुल तो तमाम व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है। इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।